अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। असर के बाद का वक्त हो रहा है, हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली थी तो अब हम कहते हैं चलो आओ हम लोग ना खेतों में चलते हैं। पिछली बार हम लोग गए थे बाग में, तो अब हम लोग जा रहे हैं खेतों में। बहुत ज़्यादा हबस हो रहा है और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। पिछली बार जब हम लोग सर्दियों में यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे लहसुन, मेथी, पालक ऐसी चीज़ें लगी हुई थी, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब तो यहाँ पे कुछ मिल रहा, सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है। और ये नींबू का दरख्त है और इस पर भी फूल लगे हुए हैं, लेकिन अभी शायद नींबू लगेंगे इस पर। कि अब हम लोग चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं देखने के लिए, सारा वीरान सा हुआ पड़ा है। तो आगे जो है ना थोड़ा सा, तो वहाँ पे खेत हैं तो उन्हें देखते हैं। हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, लेकिन सूरज देखें कैसे चमक रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मौसम खराब होगा अब। और ये अहाते के अंदर ना ये दरख्त लगे हुए हैं सारे। अहाते में चलेंगे तो फिर ये भी दिखाएंगे, खजूरें भी लगी हुई हैं यहाँ पे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ नाली में पहले पानी बहता होता था, लेकिन अब पानी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये वाली जगह जो है ना, ये खेत, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ना, सब्जा ही सब्जा। और हल्की हल्की सी ना हवा भी चल रही है। इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे ना तिल लगे हुए, इसके फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं देखें कितने प्यारे हैं, ये छोटे छोटे पौधे हैं। दिस इज सो ब्यूटीफुल, जस्ट सो ब्यूटीफुल, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल व्यू। पिछली सर्दियों में जब हम लोग यहाँ पे आए थे, ये तिल कितने प्यारे थे, इतना सब्जा ही सब्जा था। जब वैसे पिछली सर्दियाँ यहाँ आ रही हैं, और जब देखें कितना बिल्कुल सूख गए हैं ये तिल के पौधे। ये जामन कितने का ने दरख्त है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, और इस पे इतने सारे जामन लगे हुए हैं। आप लोगों को नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कच्चे हैं ये। तो सही कितने ने इतने तो लगे कितने ने मैनू आ गए ना, मैं वेख लगांदी नजर आई हूं। पक्के मंजी ला के बस अच्छी गई आज आप ही उधर से आ जाओ, मुझे रखा आपका है ना।
यहाँ जो ये अब बनाई अहाता बनाया हुआ है ना, पहले इसकी जगह यहाँ पे अहाता नहीं था और यहाँ पे सारे खेत ही खेत थे, लेकिन अब यह अहाता बनानी है। और ये जो कोने में इतने सारे दरख्त लगाए हुए हैं, हाँ यहाँ पे हमारे पिछले कुछ दिन हो गए, हाँ यहाँ पे चोर आ गए थे, यहाँ पे अब काफ़ी चोर आते रहते हैं। मेरे जब से नाना बुकी डेथ हुई है ना, तो उसके बाद से लोगों को बस मौका मिली है, और यहाँ पे ये जो दरख्त है ना, यहाँ पे चोर बैठे थे और ये दरख्त पे इस दीवार पे चढ़ के हाथे की, और ये सारी ना मिलती हैं एक दूसरे से दीवारें हमारे घरों की। तो ये रात का वक्त था, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, तकरीबन 2 बजे का टाइम था। तो उसके बाद तो ये अहाते की छत से ना, वो घर की छत पे चढ़ के इधर उधर देख रहे थे, तो मेरी कज़न देख लिया था उसने, फिर मेरे मामू को उठाया। तो जब वो मेरे मामू को उठाया बाहर देखने के लिए गई हैं, तो वो जो चोर था उसने फायरिंग कर दी, और फिर उसके बाद हम लोग सारे उठ गए हैं, और वो ये जो दरख्त कैप सारे एक साथ लगे हुए थे यहीं पे छुप गए हैं, और यहाँ से फिर भाग गए, पकड़े ही नहीं जा सके। यहाँ पे वैसे भी आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा डाके और चोरियाँ पड़ रही हैं, आम होती जा रही हैं ऐसी चीज़ें। दिखाती हूँ कौन सा, मैं नहीं जाती अब उधर, नहीं मैंने नहीं जाना। तो अब हम लोग हाथे में जाने लगे हैं। ओ दे देखो इधर बकरियां, माशाल्लाह कितना प्यारा बकरा है। अरे इतने दो पे बकरी है यहाँ पे। ये दे, ये तो डरती है। पांच रुपए मजा बोदी। हाँ ऐसे छोटी का तो मैंने पता है, आ पता नहीं ये भी गां है, ओदी ओदी भी बच्ची है। मैंने नहीं, ये खजूर लग गई हैं। पहले जो एक और थी ना खजूर वाला दरख्त, उस पर खजूरें लगती थी ना, वो बहुत ज़्यादा मीठी भी होती थी, वो पक भी जाती थी। लेकिन ये आंटी बता रही थी जो दो दरख्त है ना, इन पर खजूरें लगती हैं, लेकिन ये पत्ते नहीं और ना ही ये मीठी होती। पीछे वो ये खजूरें देखती साफ करो। ये वाली खजूरें बड़ी बड़ी हुई है, ये कबूतर है देखो। एक वो बैठा हुआ है, कितने बड़े ने कौन से। अम्मी फिर चुप गया, मेरे पैर से फिर चुप ही जाता है। मौका मिलेगा कदी कदी, मैं तो उठाऊ अपने हथियार फिर भी तो ले जाऊंगी। बस हम लोग वापस घर आ गए हैं और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। 6 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा गहरे बादल छा गए हैं और हल्की हल्की अब बारिश आना शुरू हो गई है। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है,
मैं यहाँ पे पौधों के पास बैठी थी, ये मेरी फेवरेट जगह है बैठने के लिए। मैं अक्सर इसी जगह पे आके ना बैठ जाती हूँ। तो ये काफ़ी, अब मौसम ख़राब हो रहा है तो बस चार पाँच अंदर करते हैं। बाद में ऐसा लग रहा है काफ़ी तेज़ बारिश आएगी। और ये फूल देखें बेल पे, इतने प्यारे लग रहे हैं। ये मौसम की वजह से ऊपर हल्की हल्की बारिश आ रही है और ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। इस टाइम इनकी जब ये खिलते हैं ना तो इनकी खुशबू इतनी प्यारी आती है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे घर में फैलती है। और यहाँ पे हमजा खड़ा जो ये फूल लगे हैं वो अंदर तोड़ रहे हैं। ये अक्सर ऐसे करते हैं, आके और तोड़ना शुरू कर देता है। बादल देखें कितने ज़्यादा गहरे आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये आंटी शीरा बना रही हैं, जो गुड़ का शीरा है। ये आंटी कह रही है गुड़ के ना चावल बनाते हैं। तो ये ऊपर रखा हुआ, मौसम प्यारा हो रहा है ना, वैसे दूसरा एक कुकर में दाल रखी हुई है बनाने के लिए। तो अब ये शीरा तो बन गया था, अब इसके अंदर आंटी ऑयल डाल रही हैं। मौसम काफ़ी अच्छा है ना, तो मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो आंटी कहती हैं चलो ना मीठा बना लेते हैं। ये शीरा अच्छे से बन गया, तो अब इसके अंदर ये दाल जो बनाई थी ना उबाल ली थी अच्छे से, तो ये वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इस शीरे में ये इलायची ऐड कर देंगे और थोड़े से सौंफ ऐड करेंगे। दूसरी तरफ ये चावल अच्छे से बॉईल करके आने ने निकाल दिया इनका पानी। ये चावल बहुत प्यारे हैं, बड़े बड़े ही चावल हैं, इतने प्यारे हैं। तो अब ये शीरा अच्छे से बन चुका है, तो अब बस इसके अंदर हम लोग चावल भी ऐड कर देते हैं और इसे फिर दम पर लगा देंगे। क्या होता दस मिनट इन्हें दम पे लगाया था और ये अच्छे से चावल पक चुके हैं। तो अब बस इन्हें निकालते हैं प्लेट में और मौसम के साथ एंजॉय करते हैं इन्हें। हल्की हल्की बारिश आ रही है और बच्चे खेल रहे हैं बारिश में। हमजा माशाल्लाह से इतना ज़्यादा एक्साइटेड है और इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। ब्लैंकेट की बारिश आ रही है और वो इतना एंजॉय कर रहा है माशाल्लाह से। हमारे जो घर की छत पर जो पानी आता है जब भी बारिश आती है, वो बाहर जाने के बजाय ना सीधा घर में आता है, बस इसका नहीं आता क्या हुआ है। और छतें कच्ची होने की वजह से मिट्टी भी बाहर आती है और ये सहन इतना गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, और दिन कितनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है साथ। आज सब लोग बस हम लोग इसी मौसम के साथ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।